गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, आपकी ये प्रीवियस ईयर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स है उनकी 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई है, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। इससे पहले की वीडियोस में हमने 6 पार्ट कवर कर लिए हैं, उनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो आप जा कर के देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और आपके एग्ज़ाम में अभी होने में काफ़ी सारा टाइम है, तो तब तक हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के। पहले हमने चूज़ किया है साइंस। साइंस के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, रिपीट होते हैं, हम उनको कवर करने के बाद जीके जीएस इन सभी के इस तरह से क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके गाइस, और हाँ, आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, आपकी मैथ्स की क्लासेस भी चली हुई है और जियोग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं प्रकाश सर, आपको देखनी चाहिए वो वीडियोस, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, हमने आपसे पूछा था कि DNA और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जिसने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर किसी को नहीं पता है तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। तो DNA की फुल फॉर्म पहले हम बताएंगे, ये होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो होती है DNA की फुल फॉर्म। और RNA की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए ये तो हुई कल के क्वेश्चन की बात, आगे शुरुआत करते हैं। आज से आपका यहाँ से शुरू होने वाला है, पहला क्वेश्चन है DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो जो DNA का क्रियात्मक खंड होता है उसको हम कहते हैं जीन। ओके, जीन के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया। तो दोस्तों, आपको हमने कल बताया था कि DNA की खुद खोज किसने की थी, तो उन्हीं दोनों ने मिलकर DNA का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था। उनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के इस मॉडल को तैयार किया था, डबल हेलिक्स मॉडल को। ओके, आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया। तो किसने किया था सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में, तो उनका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है उनका? हरगोविंद खुराना। ओके गाइस, हरगोविंद खुराना, इन्होंने जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था प्रयोगशाला में। आगे बात करते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है कि कमी के कारण। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको पता करना जरूरी है कि इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं वेस्ट ने। ठीक है, वेटिंग और वेस्ट ने मिलकर के इंसुलिन की खोज की थी। आगे बात करते हैं, इंसुलिन शरीर में बनता है, कहाँ बनता है? ये बनता है अग्नाशय में।
अग्नाशय में निर्माण होता है इंसुलिन का, और अग्नाशय किसे बोलते हैं? पैनक्रियाज को। ओके गाइज, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप समझ जाएंगे पैनक्रियाज। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। आगे बात करते हैं पेप्सिन का उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? तो वो यही है, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम क्या है? पेप्सिन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ये दूध में नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन क्या होता है? ये होता है एक जहरीला पदार्थ। क्या है टॉक्सिन? एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। गाइस, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सीरियसली आप इनको नोट करते हुए चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास के बाद में मैं आपको मौका दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का, और बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन पर ध्यान से नज़र बना करके देखिए। आगे बात करते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये किसका है, किसका परजीवी है, कौन से रोग को फैलाता है प्लाज्मोडियम? तो ये मलेरिया रोग का परजीवी है। मलेरिया, मलेरिया रोग का परजीवी है कौन? प्लाज्मोडियम। क्लियर, आगे बढ़े। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो ये होती है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर होती है मलेरिया की रोग की वाहक होती है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। क्लियर है गाइड? आगे बात करते हैं मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये होता है गाइस प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन जिसे आप बोलते हैं, तो ये होता है प्लीहा, प्रभावित होता है मलेरिया रोग में सर्वाधिक। आगे बात करते हैं यूरिन के उत्सर्जन में कौन सा विटामिन होता है, यानी जो यूरिन होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो वो होता है विटामिन सी। ओके गाइज, और यूरिन में दुर्गंध किसके कारण से आती है, क्यों आती है यूरिन में दुर्गंध, उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, वो इसलिए आती है क्योंकि यूरिन में यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो यूरिया के कारण क्या होता है? यूरिन में स्मेल आती है। आगे बात करते हैं मेंढक के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय के तीन भाग होते हैं। कितने? तीन भाग होते हैं मेंढक के हृदय के। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होती है जल की मात्रा मानव के शरीर के भार का? तो ये होती है गाय 10%। ठीक है, 10% जल की मात्रा होती है शरीर के भार का। आगे बात करते हैं मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में? ये होता है गाइस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना, कितना प्रतिशत जल होता है मानव के शरीर में? तो ये लगभग होता है 65 से 80%। 65 से 80% के लगभग जो है मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है। आगे बात करते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर आपको सेल्सियस में बात करनी है तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 98.6% डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है मानव शरीर का सामान्य
तापमान एक नॉर्मल ह्यूमन का। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40 यानी 23 जोड़ी। ठीक है गाइस, 40 होती है इनकी संख्या, जिसको हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। आपसे किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ऑप्शन में या तो 23 जोड़ी होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 21 जोड़ी, तो क्या होती है 23 जोड़ी या फिर 40। ठीक है, 23 दुनी 40। इस तरीके से मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40 होती है। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। आपको सबसे पहले हमने बताया कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। गाइस पता है आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको इन्हीं में ही कंफ्यूज कर दिया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे ये है, तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबो की जगह पर कुछ और लिख देगा, ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसलिए आपको इतनी छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए मार्क्स गेनिंग का सबसे अच्छा सोर्स है साइंस, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप करके आते हैं अगर आपको उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, पूरा कंप्लीट कीजिए, आपके पास खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होने को होगा। आगे बात करते हैं आरएनए की फुल फॉर्म हमने बताई राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रीक ने, इन्हीं दोनों ने मिलकर डीएनए की भी खोज की थी। ओके, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया, तो ये किया था हरविन खुराना ने। ओके गाइस, और मधुमेह रोग किसके कारण होता है, ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण ये ऐसा होता है। इंसुलिन की खोज की बात करें तो ये किसने की, ये की है वेटिंग और वेस्ट ने, ठीक है। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ, कौन से हिस्से में शरीर के, तो वो बनती है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन था पेप्सिन का उदाहरण है क्या है, एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी। टॉक्सिन क्या होता है, यह एक जहरीला पदार्थ होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का, ठीक है गाइज। और मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, वो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। और मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है प्लीहा यानी स्प्लिन, ठीक है गाइज। यूरिन में उत्सर्जित विटामिन कौन सा होता है, तो उसका नाम है विटामिन सी। यूरिन में दुर्गंध किसके कारण आती है, यूरिया के कारण, ठीक है। मेंढक के हृदय के 3 भाग होते हैं और मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग 10% होती है। आगे बात करें, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है मानव शरीर में। और मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है लगभग 65-80%, ठीक है गाइस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल्सियस में कितना होगा, 37, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 40 यानी 23 जोड़ी संख्या होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है गाइस। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।